दादी चलो ना, आपको सोनम बुला रही। आती हूँ, आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं बस अभी आई। चलो सोनम। मेघा सुनना, ये डॉली आंटी की शादी में भी यही वाला गाना था यार। मेरी शादी है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। पर वैसे भी शाम को तो धमाल होने वाला है ना, तो गाना भी कोई धमाल सा होना चाहिए। ले बस इतनी सी बात। अरे तो लोड ना ले, डन डन आडन। मैं अभी आती हूँ। थानेदारनी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ पुत्र, थाने में एक इम्पोर्टेंट और अजीब सा केस चल रहा है फर्जी दूल्हे का। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, उनके घर वालों को लूट चुका है। शादी करता है और फिर लड़कियों को छोड़ के पैसा उठा के सब भाग जाता है। तो बेटा उसी केस की ना एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या पता इस बार हम किसी बेटी की जिंदगी बचा पाए। मैं सीधा थाने जा रही हूँ। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आपके पास उसकी कोई भी फोटो है? शादी होने वाली थी ना, कभी कोई फोटो नहीं खींची? शादी की बात पक्की हुई थी पर कोई रस्म शुरू नहीं हुई थी। मेरी फैमिली ने मेरी शादी में खर्चा करने के लिए 20 लाख सेव किया था। उसने हमें बेवकूफ बनाकर हमसे 10 लाख ले लिए और भाग गया। हम कभी डेट पर कॉफ़ी पर जाते थे तो हमेशा पिक्चर्स वो अपने फ़ोन से लेता था। एक दो फोटोज़ मेरे फ़ोन से भी लिए थे पर भागने से पहले वो बहाने से मेरा फ़ोन लिया और फॉर्मेट कर दिया। कमाल है, मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं लेकिन फिर भी बेवकूफ बन जाती हैं। I'm sorry. I didn't mean to be rude. Pani pijiye. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, फोटोज नहीं है तो हुलिया बता सकती हैं आप? स्केच आर्टिस्ट बुलाओ प्लीज, और किसी को भेजो उन कैफेज पर जहां मैडम और वो गए थे। शायद किसी सीसीटीवी फुटेज में शक्ल दिख जाएगी। वैसे उम्मीद कम है लेकिन ट्राई कर सकते हैं। मैं देखता हूँ। इतना स्ट्रेस ना ले, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे स्ट्रेस ना लूं यार सोनम, लास्ट मिनट पे प्रैक्टिस करके मैंने अपनी परफॉर्मेंस रेडी की थी और मेरा डांस पार्टनर ही भाग गया। तेरी शादी है यार सोनम, अब मैं अपनी डांस परफॉर्मेंस कैसे दूंगी? बस एक बार वो गुड्डू मिल जाए, देखना क्या हाल करती हूँ उसका। अब तो तेरा नया पार्टनर आ गया है ना, तो भूल जाना उस गुड्डू को। क्या डांस पार्टनर? किसने ढूंढा मेरा नया डांस पार्टनर? डांस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर। आप? आपको डांस आता है? डिपेंड करता है कि कोरियोग्राफी कौन कर रहा है। वैसे तुम्हारे जैसी कोरियोग्राफर हूं ना तो जिंदगी भर उसके इशारों पे नाचने के लिए तैयार हूं मैं। जीजू मैं तो ना आप पे ब्लाइंड खेल रही हूँ, आज तो ना आप दुनिया को दिखाई दो बस। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आप दोनों की शादी में मैं नाचूंगी ना, वो भी दिल खोल के। मंजूर है? मंजूर है। जीजू आप मनोज जीजू, ये मेरे वो होने वाले हैं। How are you feeling, bro? एकदम first time जैसा। कहाँ? चलिए पीछे। यहाँ आना अलाउड नहीं है। अगर फैमिली में से किसी को पता चल गया ना तो बहुत आफत हो जानी है। चलिए चलिए। मुझे बस आपकी फ्रेंड की याद आ रही थी। हाँ तो आज के बाद आपकी हो जानी है, हमेशा हमेशा के लिए।
अभी चलिए मनोज जी, आप लेके जाइए ना। चल भाई, हाई कमांड के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। चल। अरे चल यार। पता नहीं किसका फोन है ये, कहीं मनोज जी का तो नहीं, नीचे गिरा हुआ मिला था। फोन ऑन करके देख ले। सर, उसका फोन ऑन हुआ अभी अभी। लोकेशन? यहाँ से 6 किलोमीटर, आधा घंटा बता रहे, तब तक कहीं भाग ना जाए। नहीं भागेगा, क्योंकि आज ऊपर वाला हमारे साथ है। पहले ही मैडम मिली, अभी फोन ऑन हुआ। लेट्स गो। एक मिनट, स्केच रेडी होते ही मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। और मैं किसी को भेजूंगा, आप उसके साथ लोकेशन पे पहुंच जाना। जी। चलिए रंजीता जी। आइए सर। सर जी। जी। ये लाइव लोकेशन कहाँ की है? गजेला बैंक्वेट। कोई गजेला बैंक्वेट है जहाँ पर ये फर्जी दूल्हा मौजूद है इस समय? ये तो वही लोकेशन है जहाँ सोनम की शादी हो रही है। फर्जी दूल्हा सोनम की शादी में? मेहर करना पापा जी। वैसे तुमने आज वो करवा दिया जो आज तक कोई नहीं करवा पाया। ये फोन कहीं आपका तो नहीं है? ये फोन तुम्हें कैसे मिला? ये ऊपर सोनम के रूम में गिरा हुआ था। वैसे आप अपने फोन का ध्यान नहीं रखते हो। जब मैंने बंद किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तुमने इसको ऑन क्यों किया? सॉरी। क्या हुआ सर जी? फोन बंद कर दिया उसने। ढूंढेंगे कैसे उसे?
I'm sorry. Actually, क्या हुआ ना कि जॉर्जिया से बहुत सारे कॉल आते हैं ऑफिस रिलेटेड, और इस वक्त मैं अपना सारा फोकस तुम पे और फैमिली पे रखना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो. I'm sorry. क्या हुआ? स्केच आ गया उस फर्जी दूल्हे का. यही कहीं है, देख लीजिए अच्छे से. चलिए. हाय रब्बा, है क्या हो गया? ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? अर्जुन तलवार, IAS ऑफिसर. और उसके पीछे युवराज अंकल सादे कपड़ों में, बाकी सब भी मम्मी जी के साथ काम करते हैं. लेकिन आज सब बिना वर्दी के सादे कपड़ों में क्यों है? पुलिस वाले हैं ये सब? हाँ, लेकिन लेकिन ये सब हो क्या रहा है?
बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी। अभी तक तो शादी से पहले ही भाग जाया करता था, इस बार जयमाला तक पहुंच गया। प्लान क्या है? फर्जी दूल्हे। फर्जी? क्या बोल रहे हो आप? कौन है आप लोग? भूलिए, आप दूल्हे, हम बाराती। ससुराल ले जाने हैं, चलोगे नहीं? हाँ, ये वाहे गुरु। युवराज जी चल, चल। तुम कुछ भी बोलोगे और हम लोग मान लेंगे? ये बंदा अपनी शादी में मौजूद है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये फर्जी? सर ये शरीफ लड़का है, ये खानदानी लोग हैं, आपको शायद सर कोई गलत फहमी हुई है। तो इसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर जिसे आप अभी के अभी बुला सकते हैं? सर इसकी पूरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया सेटल हो चुकी है। और किसी वजह से इसकी मम्मी या तो पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई होगी कि ऐन मौके पर शादी में आ नहीं पाए होंगे। और जैसे कि आपने कहा कि इसकी फैमिली आउट ऑफ इंडिया सेटल है, तो वो तो वैसे ही नहीं आने वाली है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीमारी, मकान या खुद के नाम पर बिजनेस शुरू करने के नाम पर आपसे 20 या 30 लाख रुपए ले चुका हूं मैं। कुछ सुना सुना देखा देखा सा लग रहा है, बेवकूफ बना रहा था आपको ये। शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी बच गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो जीते, ये क्या चल रहा है? हाँ थाने धामी, ये सब क्या हो रहा है? तेरा वो अर्जुन? अर्जुन सर एकदम सही कह रहा है, राजवीर ही फर्जी दूल्हा है। इससे पहले भी 13-14 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़कियों को शादी के सपने दिखाता है और फिर उनके घर वालों के पैसे लेकर भाग जाता है। सांस लेते लेते थक जाएगा, मैं मारते मारते नहीं थकूंगा। तू अपना गुनाह कबूल कर। वो क्या है ना सर जी, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, इन लड़कियों को भी, इनकी फैमिलीज को भी और इस समाज को भी। बदनामी के डर से थाने आएगा कौन? FIR लिखवाएगा कौन? नो FIR, नो केस, नो अरेस्ट। सर जी आई चैलेंज यू, आप ट्राई कर सकते हैं सर जी। मुझे ट्राई करेगा? मुझे पापा जी लाओ, मैं दे देती हूँ। सोनम ठीक है ना? आराम कर रही है? जी पापा जी। वैसे ये तो बड़ी अजीब ही बात हो गई ना, कितने दिन तक ये लोग फर्जी दूल्हे से बात करते रहे, इन्हें पता ही नहीं चला। दसो, बहुत शातिर आदमी था,
अब पता चला कि सोनम के डैडी जी ने उसे 90 लाख रुपए दिए थे डाउन पेमेंट के तौर पर कनाडा में घर लेने के लिए। सब भी स्कैम ही होता जा रहा है, रोज नए नए तरीके। बताओ, पहले तो कहते थे ना ओटीपी नहीं देना किसी को, अब इसमें तो ओटीपी भी नहीं लगता, ऐसे ही लूट के ले जाते हैं फर्जी दूल्हे। तुम दोनों अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। जानते हो उस लड़की पर क्या बीती है? बेटा जा सोनम के पास जाओ, उसे अकेला मत छोड़। जी पापा जी। जी आप भी बहुत थक गए होंगे ना, देर भी हो गई है, घर जाकर आराम करो। ठीक है। सोनम मैं हूं, दरवाजा खोल। सोनम दरवाजा खोल।